चाईबासा में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। मंच को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड को बर्बाद करने पर तुले हैं। शाह ने हेमंत सोरेन से यह पूछ दिया कि उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया है। अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों के हवाले कर दिया, जनजातीय महिलाओं की रक्षा करने की बजाय अपनी वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं। विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने 1932 खतियान नीति पर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाईबासा में 1964 में पूरी बंदोबस्ती हुई है, ऐसे में नौकरी के नाम पर विभाजन की नीति क्यों है। उन्होंने यहां तक कहा कि नौकरी नहीं बढ़ा सकते तो जगह छोड़ दें, बीजेपी करके दिखाएगी। आगामी चुनाव में भी सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वह कई ऐसे जगह चिन्हित कर रहे हैं जहाँ से वह अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि वे शुरू से ही जनसंघ आरएसएस में रहे हैं, इसलिए उनकी भी नीति वही है। सरयू राय ने कहा कि अगर भाजपा चाहेगी तो उन्हें घर वापसी में कोई झिझक नहीं है, लेकिन अब उन्हें कोई बहुत बड़ी उत्सुकता कहीं भी मिलने में नहीं है। श्री सरयू राय ने बताया कि पिछले 3 सालों में साफ सफाई, बिजली और पानी जैसे मूलभूत समस्याओं पर काफ़ी कुछ काम किया है। जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड की बीडीओ चंचला कुमारी के खिलाफ ग्राम प्रधानों में आक्रोश है। ग्राम प्रधानों ने प्रखंड मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानों को सम्मान देने की मांग की। ग्राम प्रधानों ने कहा कि बिना सूचना दिए ग्राम सभा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सम्मान नहीं मिला तो आंदोलन जारी रहेगा। मांडर के सोसाई आश्रम प्लस टू उच्च विद्यालय और कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय का मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और कल्याण विभाग के परियोजना निदेशक सुधीर बाड़ा ने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान विधायक ने विद्यालय की जर्जर स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं। कल्याण विभाग के सचिव से मुलाकात करके विद्यालय से संबंधित पूरी जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यहां पर छात्रावास निर्माण कराने को लेकर जल्द ही कदम उठाने के लिए कहा जाएगा। बेरमो में भी कोर्ट फीस की बढ़ोतरी को लेकर अधिवक्ताओं और अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं। कोर्ट में कामकाज ठप है। अधिवक्ताओं की हड़ताल से लोगों का कामकाज पर असर पड़ रहा है, जिससे लोगों में मायूसी है। अधिवक्ता कोर्ट फीस बढ़ोतरी को वापस लेने और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। बेरमो के सिजवा पंचायत के सिजवा पहाड़ी हरिजन टोला और इल्वियन कॉलोनी स्थित मंदिर के पास सोलर युक्त जल मीनार का शिलान्यास किया गया। जिला परिषद संतोष कुमार पांडे ने बताया कि जिला परिषद के 15वें वित्त से सोलर युक्त पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। आने वाले समय में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ विकास के अनेकों काम किए जाएंगे। बेरमो के दुगदा थाना में उत्पाद विभाग की टीम ने झाड़ी से 3 थैलों में भरी शराब बरामद की है। उत्पाद निरीक्षक संजीव देव के नेतृत्व में छापा मारा गया। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि अवैध शराब और नकली शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे राजस्व की काफ़ी हानि हो रही है। इसी को लेकर पूरे जिले में कार्रवाई की जा रही है। हजारीबाग के बरही चौक पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व यातायात निरीक्षक रोहित सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि बरही चौक पर ट्रैफिक की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। यह चेकिंग अभियान आरक्षी अधीक्षक के निर्देशानुसार चलाया गया है।